अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से और बिल्कुल फिट फाट होंगे। कुवैत ने इंसानियत और मजहब के नाम पर चंदा जमा करने वालों के खिलाफ फैसला किया है। दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलते हैं खबर की जानब। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की वजारत बराए समाजी अमूर ने अपने बयान में कहा है कि हमारे इलम में ये बात आई है कि कुवैत के कुछ इलाकों में हवली और फरवानियाँ कुछ ऐसे अफराद जो खैराती सोसाइटी और मुकामी फाउंडेशन से वाबस्ता नहीं हैं लेकिन फिर भी वो चंदा जमा कर रहे हैं। हकाम के मुताबिक चंदा जमा करने वाले अफराद इंटरनेट या बिरौनी नंबर के जरिए मुकामी नंबर पर कॉल करते हैं ताकि इनकी कोई जांच पड़ताल ना हो सके, वो कहां से बात कर रहे हैं इनका कोई सबूत भी ना मिले। वजारत बराए समाजी अमूर की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामी कंपनियों और सोसाइटियों की जानब से इंसानियत या मजहबी लबाड़े की आड़ में फंड जमा करने वाले को मुतबाना किया जाता है कि इस तरह के अमल का इस मुल्क में सख्ती से ममानत है। इन अफराद की तलाश जारी है, जल्द ही इनकी शनाख्त कर ली जाएगी। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।